हेलो गाइस, मैं हूँ अरुण और लेट वीडियो के लिए सॉरी। तो फिर आज के हम लोग क्या करने वाले हैं कि थोड़ा सा पिल के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। तो फिर पिल पिलो आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो फिर पिलो क्या है? पाइथन लाइब्रेरी है दैट इज यूज फॉर इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग के लिए इसका फुल फॉर्म होता है पाइथन इमेज इमेजिंग लाइब्रेरी। तो फिर अगर मैं लिखूँ पिप शो पिलो, तो देखिए मुझे इन्फॉर्मेशन दे देगा पिलो लाइब्रेरी के बारे में। तो फिर ऐसा है कि पिलो लाइब्रेरी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पिलो को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वही बाबा आजम के ज़माने कमांड लिखेंगे क्या, पिप इंस्टॉल पिलो, बस शो की जगह इंस्टॉल लिख दीजिएगा। तो फिर कुछ लोग ऐसे होंगे कि मुझसे पूछेंगे भैया पिप काम नहीं कर रहा मेरा, पिप इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो भाई यार, तुम लोग वीडियो जाके चेक ही नहीं करते हो, तुम चैनल पे जाओ सब्सक्राइब करके देखो नई वीडियो आएगी, क्योंकि मेरी पुरानी वीडियो से आप उसमें चेक करेंगे। तो इस बार इस इशू पे मैंने सॉल्व किया, इस इशू को पता नहीं मैं कितनी बार इस इशू को सॉल्व करूंगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कितने लाइब्रेरीज द्वारा इसे रिक्वायर्ड अपील। तो फिर आप देख सकते हैं। तो फिर ऐसा है कि ये सब चीज़ें बात की हैं। एक्चुअली पहला कमांड है कि पहली बात हम लोग ये करेंगे इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो फिर लिख देते हैं पिप इंस्टॉल पेलो। वैसे मेरा तो इंस्टॉल है, तो फिर आपका इंस्टॉल हो जाएगा, उसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखिए अब दूसरी चीज़ ये कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। पिलो लाइब्रेरी का यूज़ बहुत से काम में होता है। तो फिर पिलो के बारे में अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो फिर एक और चीज़ आपको इंस्टॉल करनी जो है नंपाई। नंपाई क्या है यार? सबसे फेमस मॉड्यूल है, तुम लोग पूछोगे नंपाई क्या है यार, ठीक है फिर भी मैं बताऊंगा आपको। नंपाई एक मॉड्यूल है पाइथन में जो अरे के लिए बनाया गया है। अरे अरे वाला अरे नहीं, एरे, कंप्यूटर का एरे। एरे क्या होते हैं कि लिस्ट होती है जो एक ही तरह का डेटा टाइप होल्ड करती है। नंपाई सी प्लस प्लस में लिखी गई है। तो फिर नंपाई जो है बहुत फास्ट है। तो फिर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर आप एक बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो फिर वो बहुत मेमोरी लेता है, लेकिन अगर आप नंपाई अरे बनाएंगे तो फिर वो ज़्यादा मेमोरी नहीं लेता। तो फिर बकवास हम लोग बातें बाद में रखेंगे, मज़ेदार चीज़ें पहले करते हैं। तो ऐसा है कि सबसे पहले हम एक इमेज सेलेक्ट करेंगे। तो फिर मैं सोचूंगा कि मेरे पास कोई इमेज है क्या, तो फिर मैं जो हूँ अभी इमेज ढूंढने वाला हूँ। तो फिर देखते हैं कितनी जेपीजी फाइल है। मैं सर्च कर रहा है सिस्टम मेरा, तो फिर बहुत टाइम लेने वाला है मुझे पता है ये। तो फिर यहाँ पे देख ले, तो फिर मैं यहाँ पे जो हूँ शायद से यहाँ पे कोई जेपीजी फाइल है, तो ये तो मेरी पिक है। ठीक है मैं इसी के साथ काम करने वाला हूँ, कोई और पिक हो तो फिर यार बेचती ना मेरी, ये नहीं चाहिए मुझको। डार्क प्रोसेसर ये भी अच्छा है, लेकिन ये तो मेरा वॉलपेपर ही है। देखते हैं फिर, ऐसा है कि एक मैं इसको चेंज करके दिखाऊंगा और दो चार फोटोज़ और मैं देख लूँगा। तो फिर कोई फोल्डर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर सोचने दो कहाँ पे हम लोग काम करेंगे। तो फिर यहाँ पे मैं यूट्यूब फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा, उसके अंदर मैं किसी पाई फाइल वाले में चला जाता हूँ, वहाँ पे मैं पाई फाइल में आऊँगा। अरे बाप रे, यहाँ पे तो पहले मैंने बहुत कुछ बना के रखा है। ठीक है यहाँ पे एक और बनाते हैं कोड डॉट। हाँ ठीक है, अब हम लोग जो है काम करने जा रहे हैं कुछ इस पे। तो फिर मैंने अपना सब कुछ खोल लिया। तो फिर यहाँ पे जो है नई लाइब्रेरी बनाएंगे पिलो ड्यू डॉट पाई। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा काम करने वाला हूँ। तो फिर यहाँ पे क्या है कि ये क्रिएट फाइल क्रिएट पार्टिसिपेंट को रन कर रहा है। तो फिर ऐसा है कि ये थोड़ा सा वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी काम करने वाला हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब चल रही है, तो फिर इस मामले में तो इससे पहले मैं नंपाई को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। नंपाई एज NP, ये ट्रेंड है नहीं बस ऐसे हम लोग लिखते हैं NP नंपाई लिखने में इतना चाहिए। तो मैंने नंपाई को इम्पोर्ट कर लिया है, और अब जो है पिलो आप इंस्टॉल करेंगे लेकिन आपको पिल से इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं तो भी मुझे इमेज नाम के क्लास की जरूरत है। यहाँ पे पिल से मैंने इमेज को इंपोर्ट कर लिया है, पिल से इमेज। यहाँ पे मेरा इमेज मॉड्यूल आ चुका है पिल से, पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी से मैंने इमेज को मंगा लिया है। तो फिर अब जो है मैं अपना इमेज ओपन करने वाला हूँ। तो
तो फिर यहाँ पे जो है मेरी जो इमेज है, तो फिर मुझे एक इमेज भी तो चाहिए होगी। ये 11 क्या है, L1। अरे वाह, सही इमेज मिल गई। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं नाम क्या रखा है इसका, L1.jpg। तो फिर यहाँ पे जो है मैं इमेज डॉट ओपन कमांड है एक, तो फिर मैं जो हूँ ओपन करूँगा अपनी इमेज को, मैं ओपन करूँगा। तो फिर यहाँ पे लिखता है L1.jpg को, मेरी इमेज ओपन हो गई। अब चाहे तो यहाँ पे एक लिख सकते हैं हम लोग इमेज डॉट शो करके। अब इस कोड को रन कराएंगे, देखिए क्या होता है। ये देखिए, ये किया कुछ नहीं, बस एक टेम्प्रेरी फाइल यहाँ पे देखेंगे बना दिया है, और इस टेम्प्रेरी फाइल के साथ हम लोग काम करने वाले हैं, तो फिर उस चीज़ की बात ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो है, अब जल्दी से मैं जो इमेज को दिखाया हूँ इस कमांड को दूर करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग कर क्या कर सकते हैं, हम लोग इमेज को साइज कर सकते हैं। इमेज के पहले इन्फो ले लेते हैं, इमेज डॉट साइज, प्रिंट स्टेटमेंट लगा के प्रिंट इमेज डॉट साइज। अब देखिए ये सब कुछ डिटेल दे देगा, प्रिंट इमेज डॉट नेम पता नहीं फीचर है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे जो है ठीक है, नेम नहीं है लेकिन यहाँ पे साइज मुझे मिल गया है। तो फिर ठीक है, अगर मैं इमेज के बारे में कुछ प्रिंट करूँ, देखिए क्लास प्रिंट करेगा कौन सी इमेज है, जेपीजी इमेज, ये लिख के अपने आप ही भेज देगा। ये देखिए जेपीजी प्लगइन, जेपीजी मोड, आरजीबी डॉट, हाँ इमेज डॉट मोड करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी इमेज है, यानी कि आरजीबी इमेज है या फिर आरजीबीए इमेज है। आप सोचोगे आरजीबी और आरजीबीए में क्या अंतर है, तो फिर मैं बताना चाहूँगा कि ये चैनल्स है। आरजीबी यानी कि रेड ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, ये तीन चैनल्स होते हैं हर इमेज में, लेकिन आरजीबी ये यानी कि रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, अल्फा यानी कि ऑप्टिसिटी ऑफ द इमेज, यानी हर एक पिक्सल की ऑप्टिसिटी। अगर मैं आपको एक पीएनजी इमेज दिखाऊं, पीएनजी यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पी डॉट पीएनजी, तो फिर देखिए अभी मैं आपको एक पीएनजी दिखाता हूं और आपको, आप खुद ही बताएंगे अंतर क्या है। तो फिर ये टेस्ट टू देखते क्या है। ये देखिए यहाँ पे क्या आप ध्यान दिए कि मुझे बैकग्राउंड नहीं दिख रहा, यानी कि अगर मैं इसकी डायमेंशंस चेक करूँ प्रॉपर्टीज में जाके, तो फिर ये देखिए ये यहाँ 300x300 पिक्सल, लेकिन ये क्या कहीं 303 तो लग रहा है, यहाँ पे 300 पिक्सल है लेकिन यहाँ पे इमेज क्यों नहीं दिख रही क्या, क्योंकि इन जगहों पे अल्फा चैनल 0 है और अल्फा चैनल यहाँ पे 255 है। 255 मतलब मैक्सिमम अल्फा चैनल यानी मैक्सिमम ऑप्टिसिटी, यानी कि हम लोग को इसको कितना देख पाएंगे, 255 यानी कि मैक्सिमम हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 0 देख पाएंगे, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट है। तो फिर ट्रांसपेरेंट इमेज यानी पीएनजी, और हमारी जो ट्रांसपेरेंट इमेज होती है वो जेपीजी होती है। अभी आपको दिखाता हूँ, तो फिर इसका तो पूरा कोर्स हो सकता है यार। तो फिर मैं जो हूँ थोड़ा सा तोड़ तोड़ के वीडियो लाऊंगा। तो फिर मैं जो हूँ टेस्ट 2.png कहाँ पे था, मुझे इसके साथ ही काम करना है क्योंकि आपको इसे ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करूँगा और यूट्यूब फोल्डर में यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए क्या होगा, टेस्ट 2। अब मैं यहाँ पे टेस्ट 2 ओपन करूँगा और इसी इमेज को प्रिंट करूँगा। तो मैं यहाँ पे दूसरा बनाऊँगा, तो फिर इमेज 2 करके, और इमेज इमेज 2 ये लो। तो कहोगे मैंने क्या किया, मैं अभी दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। अब आपको समझ आएगा इसमें अंतर क्या क्या है इन सब में। L1, लेकिन यहाँ पे L1 जो है ना, कि मुझे L1 यहाँ पे नहीं चाहिए। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये L1 जो मैंने किया है ऐसे, यहाँ मैं टेस्ट 2 कर दूंगा, टेस्ट 2। अब देखिए मजा आएगी, अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे जेपीजी प्लगइन देगा और नीचे पीएनजी प्लगइन देगा। हाँ टेस्ट 2 p.jpg, जेपीजी मैंने लिख दिया है, देखिए यहीं पे एरर दे दिया, जेपीजी फाइल है ही नहीं, तो फिर वो पीएनजी फाइल है, तो फिर मुझे पीएनजी लिखना पड़ेगा। ये लो अब देखिए क्या होता है, ये देखिए पीएनजी इमेज प्लगइन और ये जेपीजी इमेज प्लगइन है, दोनों में अंतर अभी मैं दिखाता हूँ आपको, आपकी आंखें अभी बाहर आ जाएंगी ऐसा लगेगा कि दोनों में हम लोग। अब अरे मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे यहाँ पे, अब जो है मैं इमेज मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, तो फिर यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा मोड चेंज करने वाला हूँ। कन्वर्ट कमांड होता है, RGBA था ये, लेकिन मुझे RGB चाहिए। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे लिख के देगा जो PNG लिख के दे रहा था पहले, अब देखिए क्या दे लिख के देगा, कहाँ गया, देखिए अभी इमेज इमेज बन गया है। अभी मैं अभी इसको देखिए, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे इमेज 2, ऐसे मैं डायरेक्ट वैसे शो कर सकता हूँ,
देखा जाए तो इमेज थ्री करके हम लोग वेरिएबल असाइन कर देते हैं इमेज थ्री, और अगर मैं इमेज थ्री को शो करूँ अब देखिए क्या होगा, जो पीछे आपको दे दिख रहा था अब दिखेगा क्यों, क्योंकि अब तो आरजीबी में मैंने अल्फा चैनल ही गायब कर दिया, ये देखिए क्या हो गया। अब आपको अंतर समझ आया ना, तो फिर अभी जो है आप सोचोगे कि वापस कैसे लाएंगे, वापस कैसे लाएंगे ना, तो फिर यहाँ पे जो है अगर मैं इसको ऐड भी कर दूंगा लेकिन अब यहाँ पे फायदा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये कन्वर्ट हो चुका है, तो फिर अभी ये जो है मुझे इसका अरे को चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट आरजीबी ए करोगे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला, अभी मैं दिखाता हूँ क्यों नहीं होगा उसका कारण भी मैं बताऊंगा पहले, लेकिन आपको इसको पहले देखना होगा। देखा कोई कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी एक बार कन्वर्ट हो गया तो वापस से इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते इमेज थ्री को, लेकिन इमेज टू हमारा अभी भी वही है, तो अगर मैं इमेज टू दिखाऊं आपको और क्लियर करना मुझे, तो मैं क्या करूंगा अब जो है और क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका नंपाई अरे में इसका कन्वर्जन करेंगे, तो कैसे करेंगे हम लोग यूज करेंगे अपना एनपी डॉट अरे मेथड, तो फिर इमेज वन ए आर आर इज इक्वल टू एनपी डॉट अरे, मैंने एनपी डॉट अरे किया और उसमें मैंने इमेज डाल दिया, अब मुझे इमेज कन्वर्ट करके दे देगा ये, कहोगे इमेज टू किधर है वो भी आ जाएगा, लो ये लो, ये मेरी इमेज वन और यहाँ पे देखिए इमेज टू, यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार, चार यहाँ पे चैनल आपको मिलेंगे, चार बार जीरो है, यहाँ पे देखिए तीन ही बार होगा, एक दो तीन, इसे कह रहे मतलब क्या है कि अब देखिए थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, मैं इस इमेज को खोलूंगा और इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, ये देख रहे हैं तो इनको कहते हैं पिक्सल, देखिए ये हर एक पिक्सल एक कलर को दिखा रहा है, तो फिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक पिक्सल है, पिक्सल के अंदर तीन चैनल है, लेकिन यहाँ पे अभी चार चैनल आपको मिलेंगे, कि ये यहाँ पे एक अल्फा चैनल भी जुड़ा हुआ है जो ऑप्टिसिटी दिखा रहा है, एक बात बताइए ये जो चार है ये इसमें चार जो चैनल है वो एक पिक्सल मिलकर बना रहे हैं, तो फिर ऐसे और कितने पिक्सल्स हैं, एक यहाँ पे पिक्सल है, एक यहाँ पे यानी कि हाइट में है और ये विड्थ में है, तो फिर यहाँ पे देखेंगे आप ना, तो फिर यहाँ पे आपको जब इसका शेप प्रिंट करेंगे तो फिर डॉट शेप अगर मैं लिख दूं तो देखिए क्या होता है, अब देखिए अब क्या आउटपुट मिलेगा, अब कहोगे ये सब क्या है, अब देखो एक दो तीन, एक दो तीन, अब देखो ये 3D अरे है, ये भी 3D अरे है, 3D अरे क्यों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ द इमेज और ये रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ ऑफ द इमेज, और ये प्रिंट कर रहा है कि हर एक इमेज की हर एक पिक्सल में कितने चैनल है, तीन, ये कितना है 300 हाइट है 300 विड्थ है और चार जो है इसमें पिक्सल यानी कि चार चैनल है। अगर मैं इसका कोई भी एक प्रिंट कर दूँ जैसे कि इमेज आर का, अब स्लाइसिंग लिस्ट स्लाइसिंग या फिर अरे स्लाइसिंग हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, तो फिर मैं फिर दूसरे का तीसरा प्रिंट करके दिखाता हूँ, मैं भी इसका दूसरे का तीसरा करके दिखाऊंगा, तो फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर अगर मैं इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए काम करूंगा तो फिर ये लास्ट देगा ले, तो फिर मुझे जो भी मिडिल का 200 वाला हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या मिलेगा मुझे, अब मुझे जो है गलती मिलने वाली है, एरर आएगा, पता है क्यों, क्योंकि मैंने शेप का प्रिंट कर दिया है, देखिए ये नॉट टपल, वो शेप एक टपल रिटर्न कर रहा है तो मुझे शेप उठाने होंगे, ठीक है अब देखिए क्या रिटर्न होगा, अब आपको समझ आ जाएगा, देखिए इसमें चार हैं इसमें तीन ही हैं, ये तीन चैनल ये चार चैनल, अभी अगर ये जीरो है तो मतलब कि एकदम फुली ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर ये जीरो नहीं होता 255 होता तो फिर ये फुली ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो फिर यहाँ पे जो है, और जब आप इसको आरजीबी ए से आरजीबी करते हैं तो इसके पहले के तीन चैनल ले लेता है लास्ट वाला नहीं लेता, यानी वहाँ पे ऑप्टिसिटी 100% हो जाती है, तो फिर ऑप्टिसिटी में तीन कलर क्या दर्शाते हैं, तीन कलर ये जो जीरो है ये दर्शाते हैं ब्लैक कलर, इसलिए आपको उसका बैकग्राउंड ब्लैक दिख रहा था,
अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, थोड़ी सी इमेज की आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो फिर बिल को लेकर मैं दूसरी वीडियो जरूर बनाऊंगा, तब तक के लिए देखते रहे मेरे चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर वो वीडियो आपसे छूट गई तो आपको इमेज आरे के बारे में थोड़ी सी बहुत सी इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी या आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि आप इमेज कन्वर्जन से क्या कर सकते हैं कि आप जैसे कि कोई भी पिक्सल चाहिए आप क्रॉप कर सकते हैं, आप इमेज मॉडिफाई कर सकते हैं। आज के ज़माने में डेटा एनालिसिस ही तो सब कुछ है। तो फिर डेटा एनालिसिस आपको आती होगी तो फिर आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कितना बेनिफिशियल होगा कि आप अपनी बनाई इमेज को ही मॉडिफाई कर सकते हैं, इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, खुद की इमेज बना सकते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स इससे बना सकते हैं, आप मतलब कि इमेज से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके पास इमेज की इन्फॉर्मेशन होगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को इस तरह देखते रहें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बताइए, मैं रिप्लाई तो ज़रूर करता ही हूँ। तो फिर आप कमेंट करेंगे मैं रिप्लाई करूंगा, और इसके साथ अगर आपको कहीं और कोई कोई वीडियो में प्रॉब्लम होगी आप मेंशन कर सकते हैं, आप 10 बार मेंशन करेंगे मैं 10 बार बताऊंगा। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ मुझे देना ज़रूर सोचिएगा इम्पोर्टेंट। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।